जिस इंतजार में लोग दशकों से बैठे थे कि कब बॉलीवुड अपनी घिसी पिटी पुरानी स्टोरीज और साउथ की रिमेक बनाना बंद करके कुछ अच्छे कंटेंट पे और मास सिनेमा पैन इंडिया सिनेमा में काम करेगा। 2023 में हमें बॉलीवुड की और इंडियन सिनेमा में उसी टाइप की बहुत सारी मूवी देखने को मिली। 22 और 2023 में कुछ पैन इंडिया मूवीज आई जिन्होंने दर्शकों को उनका टेस्ट बदला और कुछ अच्छी लेवल की मूवी उसमें दिखाई गई। 2024-2023 के कंपैरिजन में कुछ ठंडा जरूर है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी मूवी आने वाली है जो इंडियन सिनेमा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है। आजकल फैशन है आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट लाने का और कुछ ऐसा दिखाने को कि दर्शकों को देखकर मजा आ जाए और कुछ नयापन लगे। एक्टर सोनू सूद की नई मूवी फतेह का ट्रेलर बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है और ये मूवी इस तरीके से मास सिनेमा के साथ आएगी कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। अब फिल्म की अपडेट देखने को मिली है जो डायरेक्टली आई है फतेह मूवी के एक्टर और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सोनू सूद के लेटेस्ट इंटरव्यू के दौरान। सूद की ये फतेह मूवी बहुत ही जल्द आने वाली है और ये एक बड़े बजट की मूवी है जिसमें एक्टर भी सोनू सूद है और प्रोड्यूसर, और इस फिल्म की जो कहानी है वो भी सोनू सूद ने लिखी है। इस मूवी में सोनू सूद का वो अवतार देखने को मिलेगा जिससे दर्शक अभी तक अछूते थे, और इस मूवी में एक्शन सीन बहुत अच्छे भारी भरकम आपको देखने को मिलेंगे और एक्शन सीन डायरेक्ट करने के लिए बाहर के फॉरेन कोरियोग्राफर इसमें बुलाए गए हैं। इस मूवी में सोनू सूद सर एक श्रीधी कंपनी के एम्प्लॉय का रोल निभा रहे हैं और ये इसमें एक आम आदमी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और इस मूवी की हीरोइन है जैकलिन फर्नांडिस, और इस मूवी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे। सोनू सूद सर श्रीधी मिल्क के ब्रांड एम्बेसिडर भी है, तो उन्होंने उस श्रीधी को प्रमोट करने के लिए, जिसे वो अपना परिवार मानते हैं, इसमें श्रीधी कंपनी के एम्प्लॉय का इनमें किरदार निभाया है। आपको और हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा फतेह मूवी के ट्रेलर लॉन्च का।